वेलकम टू दी लाहौर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएस पार्ट टू के चैप्टर नंबर टेन इनपुट आउटपुट के इम्पोर्टेंट एम और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से द फंक्शन यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट इज स्टोर्ड इन एस टी डी आई डॉट एच एस टी डी आई डॉट एच एक ऐसी हेडर फाइल है या लाइब्रेरी फाइल है जिसमें इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन स्टोर्ड होते हैं एस टी डी आईओ स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट द फंक्शन दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड प्रिंट एफ फंक्शन जब हमने किसी स्टेटमेंट को या किसी वेरिएबल की आउटपुट को स्क्रीन पर शो करवाना होता है उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट एफ का फंक्शन प्रिंट एफ इज अ बिल्ट इन फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शंस को कहते हैं जिन्हें सी लैंग्वेज की डेवलपमेंट के टाइम पर लैंग्वेज का पार्ट बना दिया जाता है ऐसे वर्ड्स को की भी बोला जाता है और इन की या रिजर्व वर्ड्स को हम अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते अपने इस्तेमाल में लाने का मतलब ये है कि हम उन्हें बतौर आइडेंटिफाइड इस्तेमाल नहीं कर सकते हाउ मेनी वेरिएबल्स कैन बी लिस्टेड इन वन प्रिंट एफ फंक्शन एक प्रिंट एफ फंक्शन में हम एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स को प्रिंट करवा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर डिटरमाइंड बाय फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर्मेट स्पेसिफायर बताता है वैल्यू के फॉर्मेट को यानी वैल्यू कोई इंटीजर वैल्यू है कोई कैरेक्टर वैल्यू है या फिर कोई फ्लोट वैल्यू है सो so, वैल्यू की टाइप या फॉर्मेट को डिफाइन करता है उसका फॉर्मेट स्पेसिफाइड जिसे हम मॉड्यूल के सिंबल के साथ लिखते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट्स विद द सिंबल modulus or percentage. The format specifier modulus u is used for unsigned short. Which of the following format specifier is used for integer data type? Modulus d. The format specifier modulus d is used for integer. Which of the following फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज फॉर फ्लोर डेटा टाइप फ्लोर डेटा टाइप के लिए मॉडुलस एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है इसी तरह मॉडुलस डी इंटीजर के लिए मॉडुलस एस स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस एफ इज यूज फॉर फ्लोट डेटा टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज फॉर स्ट्रिंग मॉडुलस एस विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज फॉर कैरेक्टर डेटा टाइप मॉडुलस सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच कैरेक्टर सिग्निफाइज द बिगनिंग ऑफ एन सीक्वेंस बैक स्लैश बैक स्लैश को यूज करते हैं जब हमने स्केप सीक्वेंसेज लिखने होते हैं फॉर एग्जाम्पल बैक स्लैश एन इस्तेमाल होता है नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए इसी तरह बैक स्लैश टी इस्तेमाल होता है टैब्स को इंसर्ट करने के लिए यानी मोर देन वन स्पेसिस को इंसर्ट करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिंबल इज यूज एज कैरेक्टर बैक स्लैश द दीक्वेंस फॉर कैरिज रिटर्न इज बैक स्लैश आर कैरिज रिटर्न मीन्स एंटर की की प्रेस करना ऑल आर स्केप सीक्वेंस एक्सेप्ट बैक स्लैश डेल बैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए यूज होता है बैक स्लैश बी बैक स्पेस के लिए और बैक स्लैश टी इज यूज फॉर टैब next question is the escape sequence used to move cursor 1 character back is backslash b next question dekhte hain. the escape sequence for backslash is double backslash next question is which escape sequence is used to begin new line backslash n which of the following is not a valid escape code backslash y function which is used to get input from the user is scanf function स्कैन एफ का फंक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमने वेरिएबल की वैल्यू खुद से नहीं देनी बल्कि यूजर से लेनी है उस वक्त हम यूज करते हैं स्कैन एफ का फंक्शन फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल में इनपुट लेने के दो तरीके हैं एक तरीका यह है कि हम सिंपली किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं जिसे सिंपल वर्ड्स में कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन यहां पर वेरिएबल ए में वैल्यू टेन आ चुकी है लेकिन जब हमने वेरिएबल ए में यूजर से वैल्यू लेनी हो उस वक्त हम यूज करते हैं स्कैन एफ का फंक्शन और स्कैन एफ के फंक्शन का सेंटेक्स कुछ इस तरह होता है स्कैन एफ डबल कोटेशन में हम लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर ए में वैल्यू क्योंकि टेन देनी है जो कि एक इंटीजर वैल्यू है इसलिए मैं यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखूंगी मॉडुलस डी जो कि इंटीजर डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल होता है नेक्स्ट कॉमा और एम परसेंट ए स्कैन एफ के फंक्शन को यूज करते हुए इस वेरिएबल ए में जो वैल्यू आएगी वो यूजर अपने कीबोर्ड से एंटर करेगा यूजर जो भी अपने कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करेगा वो वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएगी और फिर हम उस वैल्यू को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच सिंबल इज यूज वेरिएबल टू इनपुट डेटा इन स्कैन एफ एम्परसेंट सिंबल एंड एम्परसेंट सिंबल बिफोर द नेम ऑफ द वेरिएबल डिनोट एड्रेस ऑफ वेरिएबल द फंक्शन गेट इज डिफाइंड इन कॉनियो डॉट एच हेडरफाइल कॉनियो स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल गेट स्टैंड फॉर गेट कैरेक्टर जिस तरह स्कैन एफ फंक्शन यूज होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए उसी तरह गेट्स का फंक्शन भी यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है लेकिन डिफरेंस ये है कि गेट कैरेक्टर का फंक्शन सिर्फ कैरेक्टर को सिंगल कैरेक्टर को गेट करता है या रिसीव करता है लेकिन स्कैन एफ के फंक्शन को यूज करते हुए आप यूजर से कैरेक्टर इनपुट भी ले सकते हैं स्ट्रिंग इनपुट भी ले सकते हैं इंटीजर इनपुट भी ले सकते हैं यानी एनी टाइप ऑफ इनपुट आप स्कैन करवा सकते हैं बाय यूजिंग स्कैन फंक्शन द आस्की कोड फॉर की इज स्केवन वट विल बी द फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दी फॉलोइंग कोड फोर लूप एक्स इज इक्वल टू वन सेमिकोलन एक्स इज लेस देन इक्वल टू सेवन एंड एक्स प्लस प्लस अब यहाँ पर देखें प्रॉब्लम यह है कि फोर लूप के एंड में टर्मिनेटर सिंबल लगा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था इस लूप को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए इस सेमी कॉलन को नहीं होना चाहिए था सेमी कॉलन ने फोर लूप को नीचे वाली स्टेटमेंट से डिस्कनेक्ट कर दिया है ये एक सेपरेट स्टेटमेंट बना दी है स्टेटमेंट वन और ये एक सेपरेट स्टेटमेंट है इन दोनों में कनेक्शन खत्म कर दिया है इस सेमी कॉलन ने स्टेप वाइज इसकी एग्जीक्यूशन करके देखते हैं फोर लूप स्टार्ट हुआ एक्स वेरिएबल को वैल्यू वन मिली एक्स में वन आ गया अब कंडीशन टेस्ट होगी एक्स इज लेस देन इक्वल टू सेवन कंडीशन ट्रू है कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में कंट्रोल ने मूव करना था नेक्स्ट लाइन में लेकिन क्योंकि फोर लूप को यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया गया है अब इसके साथ कोई भी दूसरी लाइन अटैच नहीं रही इसलिए ये लूप यहीं पर स्टॉप हो जाएगा इसके बाद सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगी और वो है प्रिंट एफ एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू इस वक्त वन है इसलिए स्क्रीन पर वन शो होगा और गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर मोर कंप्यूटर साइंस लेक्चर्स एंड अदर इंफॉर्मेटिव वीडियोज सब्सक्राइब टू माई चैनल